साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे भाई लॉकडाउन, अगर आप इंडिया में लॉकडाउन तोड़ के घर से बाहर निकलते हैं तो आपके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई हो सकती है कि आपको ज़िंदगी मतलब आपको एक तरह से रोज़गार लाइफ टाइम के लिए हाथ धोना पड़ सकता है। इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूज़ देने जा रहा हूँ। इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन का जो बटन उसको दबा दें ताकि हर रोज़ आपको सही जानकारी विदेश से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। गवर्नमेंट ने कुछ नियम सख्ताई लॉकडाउन का इतनी सख्ताई से पालन करवाने के लिए गवर्नमेंट ने एक नियम निकाल दिया, पुलिस ने नियम निकाल दिया, अगर आप लॉकडाउन तोड़ोगे जानबूझ के घर से बाहर निकलोगे तो आपका पासपोर्ट लाइफ टाइम कभी नहीं बनेगा। ये आज की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं, हमारे राजस्थान में न्यूज़ आई है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। या फिर जो सरकारी कर्मचारी अपने आप को ये मानते हैं कि हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे पास तो पास है, हम तो ये निकल जाएंगे वैसे निकल जाएंगे, लॉकडाउन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनको बता दूं 100% मुकदमा दर्ज होगा और लाइफ टाइम के लिए आपकी नौकरी जाएगी, पासपोर्ट नहीं बनेगा। अगर आप नौकरी नहीं लग रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो लाइफ टाइम आपको जॉब नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आपको कुछ समझ में आए, ताकि आप ध्यान रखें, अपने घमंड में न रहें। लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो पासपोर्ट नहीं बनेगा, सरकारी नौकरी भी नहीं लगेगी। जयपुर, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले सावधान हो जाएं। जिन लोगों के खिलाफ पुलिस लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज करेगी वे न तो पासपोर्ट बना सकेंगे न ही उनकी सरकारी नौकरी लग सकेगी, यानी आप विदेश भी नहीं जा सकोगे और सरकारी नौकरी भी आपको लाइफ टाइम के लिए हाथ धोना पड़ सकता है। पुलिस अब उन लोगों के खिलाफ चालान पेश करने जा रही है, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मांगी गई है जिनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं और सरकारी नौकरी में हैं। खास तौर से कान खोल के सुन लीजिए, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके लिए नौकरी भी जाएगी आपकी, मुकदमा लग गया तो नौकरी से बर्खास्त होते टाइम नहीं लगेगा। लॉकडाउन से अब तक 556 केस दर्ज हो चुके हैं, इसमें से 830 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित विभाग को लिखा जा रहा है, सुन लीजिए कान खोल के, 830 कर्मचारियों में से 570 की उम्र 20 से 40 साल के बीच में है, यानी अधिकतर या तो किसी काम की तलाश में हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एडीजे क्राइम बीएल सोनी ने बोला है, ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करेंगे, जो बिना वजह बाहर निकले तो कार्रवाई होगी। तो भाई कान खोल के सुन लीजिए, जो इंडिया में रह के कर्मचारी हैं गवर्नमेंट, वो भी कान खोल के सुन ले, या फिर आप जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट टाइप के बंदे हैं, लॉकडाउन में अगर मुकदमा लग गया तो नौकरी नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में और पासपोर्ट भी नहीं बनेगा, विदेश जाके मजदूरी भी नहीं कर पाओगे, यानी दोनों तरफ से हाथ धोना पड़ सकता है। तो बेस्ट यही है लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें, सेफ रहें, इसी में फ़ायदा है। 3 मई तक तो रहना ही रहना है, आगे की न्यूज़ जो भी आएगी, जो भी आंकड़े बताएंगे उसके हिसाब से फाइनल होगी। तो आप लोगों के साथ मैंने ये बातें शेयर इसलिए करी हैं, और आपके भी अगर भाई आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोगों के साथ जानकार दोस्त रिश्तेदार बहुत सारे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि मैं हर वीडियो के साथ मैं एविडेंस साथ में लगाता हूँ, मुँह से नहीं बोलता, साथ में एविडेंस लगता है ताकि लोगों को विश्वास हो कि हाँ ये खबर जेन्युइन है, फेक नहीं है। ये उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, इसमें किसी धर्म का जाति का कोई इश्यू नहीं है। अगर पुलिस के धक्के लग गए, मुकदमा लग गया, विदेश नहीं जा पाओगे लाइफ टाइम। अगर कर्मचारी हो तो नौकरी छूटते टाइम नहीं लगेगा, अगर आप नौकरी लगने की कोशिश कर रहे हो तो लाइफ टाइम नौकरी नहीं कर पाओगे, कितना बड़े माइनस पॉइंट है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर रोज़ आपको अच्छी अच्छी जानकारी विदेश से रिलेटेड मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।